नमस्कार, मैं अलका खबर लहरिया से। सुनते हैं आज 18 जनवरी के दिन भर की खबरें। नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ यूपी में ये आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है। 5 राष्ट्र प्रमुख समेत 125 अतिथियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में नवे वाइब्रेट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के खारदुंगा ला क्षेत्र में एक ट्रक शुक्रवार को भूस्खलन की चपेट में आ गया। उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग लापता हैं। पश्चिम बंगाल में 19 जनवरी को होने वाली ममता बनर्जी की रैली लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन के लिहाज से अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है ममता ने इस रैली के लिए तमाम विपक्षी दलों को न्योता भेजा है। हालांकि कांग्रेस और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस रैली में शामिल नहीं होंगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ दर्शन के लिए हेरिटेज एंड फोटोग्राफी ट्रेल बस रवाना की है। अयोध्या बीकापुर ब्लॉक के तिवारी का पुरवा में चल रहे विद्युती कार्य में विभिन्न प्रकार की खामियां हैं। कहीं नए पोल पहले से झुक चुके हैं तो कहीं लगे पोल जाम ही नहीं किए गए हैं। ये थी दिन भर की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये थी दिन भर की खबरें। कल नई